अपनी विरासत और धरोहर का संरक्षण हम सभी का दायित्व है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश हमारी सभ्यता, संस्कृति और धरोहरों के कारण ही विख्यात है। इसमें विश्व की संस्कृति को समाहित करने की क्षमता है। देश में प्राचीन मंदिरों को सहेजने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक के मोहम्मद ने कहा कि एक सच्चा पुरातत्वेता और इतिहासकार वही है जो टुकड़ों को जोड़ दे। उन्होंने कहा कि हमारे धरोहर ही हमारी संस्कृति संस्कार की पहचान है। ये सभ्य समाज का दायित्व है कि वह अपने धरोहरों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करे। राम मंदिर के इतिहास के प्रमाण की खोज करने वाले पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कहा है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास भी कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें गणेश मंदिर आसपास है। इससे सिद्ध होता है कि वहां गणेश मंदिर थे और उनकी स्थापना की भी नियम अनुसार सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबरी की तरह देश में अभी कई मुद्दे हैं और अगर सभी पक्षों ने इसका हल नहीं निकाला तो ये बड़ी समस्या बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में कई मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ हिंदुओं संख्या ज्यादा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने बताया, मैं पहली बार एक छात्र के तौर पर अयोध्या की खुदाई में शामिल हुआ था, तब से मेरा जुड़ाव है। बाद में जब दोबारा आदेश मिले तो मैंने ईसाई की तरफ से अयोध्या में खुदाई शुरू की। दूसरी खुदाई में यहाँ हिंदू मंदिर के 52 खंभे, 13 कोटा की बनी मूर्तियां मिली, जिससे सिद्ध हुआ कि मस्जिद के नीचे एक समय में मंदिर था। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण से उनकी जिंदगी सफल हो गई है। देश में इसी तरह के और भी कई मुद्दे हैं। इन मुद्दों को प्रशासन को बैठकर सभी पक्षों को सुनकर हल करना चाहिए। अगर हल नहीं करेंगे तो ये बड़ी समस्या बन सकते हैं जो कि देश को पीछे खींचेंगी। के मोहम्मद 1976-77 में पहली बार अयोध्या में जाकर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाली विवादित जगह पर खुदाई की थी। उन्होंने बाबरी के नीचे मंदिर के अवशेषों का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर के खंभों पर मस्जिद बनाई गई थी। के मोहम्मद ने कहा था कि 27 मंदिरों को तोड़कर दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने कहा था कि मंदिरों को तोड़कर निकाले गए पत्थरों से ही यह मस्जिद बनी है। उन्होंने कहा कि उस जगह पर अरबी में लिखे अभिलेखों में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। ताजूर मासिर नामक किताब में भी इसका जिक्र है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लोहे की दो जाली हटाने के बाद भगवान गणेश की मूर्तियां स्पष्ट देखने को मिली। इन मूर्तियों को 2 साल पहले लोहे की दो जाली से ढक दिया गया था, जिन्हें अब सफाई के बाद ईसाई ने बुलेट प्रूफ शीशे से ढक दिया है। के मोहम्मद ने कहा कि मैं हमेशा मुसलमानों से कहता हूं कि पाकिस्तान से अलग होने के बावजूद भारत सेक्युलर है क्योंकि यहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है। ज्ञानवापी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामला एक लीगल केस है, इसमें अभी तो हमारा कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि मथुरा और काशी के ज्ञानवापी मामले को जल्द हल करना चाहिए। यहाँ प्रमाण की कमी नहीं है, बस यहाँ सच को सच मानकर समझने की जरूरत है। के मोहम्मद ने कहा, अयोध्या मामले में हिंदू मंदिर की बात पुरजोर तरीके से रखने के कारण मुझे मेरी कम्युनिटी का विरोध झेलना पड़ता है। लोगों के विरोध को फेस न करना पड़े, इसके लिए मैं अपने प्रोफेशन से धोखा नहीं कर सकता। खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले, ये फैक्ट था। बतौर आर्कियोलॉजिस्ट मैंने वही बताए। इतिहास के फैक्ट्स को सही ढंग से रखना ही मेरा धर्म है। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार साल था 1976। अयोध्या में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की टीम पुरातात्विक महत्व के लिए खुदाई कर रही थी। बीबी लाल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे और उनके नेतृत्व में ही सर्वेक्षण और खुदाई का काम जारी था। भूमि की गहराई में वह सत्य दबा था जिसके लिए धरातल पर संघर्ष जारी था। बीबी लाल ने सर्वेक्षण के आधार पर कहा, अयोध्या में राम का अस्तित्व है। उनका यह कहना ही था कि मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, मंदिर के लिए संघर्ष को और पुख्ता हवा मिल गई और शायद तत्कालीन सरकार को यह हवा अपने विरुद्ध भी लगी होगी।
अपने बयान के लिए बीबी लाल को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जब बीबी लाल पर कार्रवाई हुई तो के मोहम्मद ने टटकर कहा, झूठ बोलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। वह अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने बीबी लाल के बयान का पूर्ण समर्थन किया। साथ ही कई ऐसे साक्ष्य भी सामने रखे जो कि जोर शोर से गवाही देते थे कि विवादित स्थल के नीचे का ढांचा एक प्राचीन कालीन मंदिर था। के मोहम्मद पुरातत्वविद तो थे ही, साथ ही उनमें प्राचीनता को लेकर गहरा रुझान था। उन्होंने कई प्राचीन मंदिर और स्थल जो कि आक्रमण की आंधी में जमीन दोज थे, उन्हें खोजकर बाहर निकाला। अयोध्या प्रकरण और खुदाई के पूरे विवरण को समेटते हुए के मोहम्मद ने किताब भी लिखी। नाम है मैं हूँ भारतीय। इस किताब में वह लिखते हैं कि प्रो बीबी लाल की अगुवाई में अयोध्या में खुदाई करने वाली आर्कियोलॉजिस्ट टीम में दिल्ली स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के 12 छात्रों में से एक मैं भी था। किताब में उन्होंने लिखा है कि 1976 की खुदाई में कुल 137 मजदूर लगाए गए थे। इनमें 52 मजदूर मुस्लिम समाज से थे। खुदाई शुरू हुई और शुरुआती ही कुछ चोट में पड़ते उधरने लगी। वह लिखते हैं कि मैं हैरान हूं कि कथित बाबरी की दीवारों में मंदिर के खंभे साफ साफ दिखते थे। ये खंभे ब्लैक बसाल्ट पत्थरों से बने थे और इनके निचले भाग में पूर्ण कलश बने हुए थे। मंदिर निर्माण कला में कर्ण कलश ऐश्वर्य चिन्हों की प्रतीक हैं। ये निर्माण 11वीं-12वीं सदी की तरह ही था। के मोहम्मद अकेले ऐसे विद्वान नहीं हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि वहां मंदिर था, बल्कि उनसे बहुत पहले भी जब ने अपनी किताब हद का ए शहदा में इसका जिक्र किया है। हाजी मोहम्मद हसन ने भी 1878 में लिखी अपनी किताब जिया अख्तार में राम मंदिर और सीता की रसोई तोड़े जाने की बात कही है। इसके अलावा मौलवा मोहरम के मोहम्मद ने अपनी किताब में वामपंथी इतिहासकारों पर खुलकर आरोप लगाए हैं। लिखा है कि वह शुरू से ही निष्पक्ष नहीं थे और उनकी सारी खोज बतौर इतिहासकार नहीं बल्कि एक तरफा प्रतिनिधि के तौर पर थी। इस पूरी खुदाई की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट भी कर रहे थे और जब हाई कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में अपना फैसला रखा तो भी वामपंथी इतिहासकार अपनी भूल गलती मानने को तैयार नहीं हुए। के मोहम्मद ने मलयालम में लिखी अपनी आत्मकथन जनना भारतीयन मैं एक भारतीय मैं सीधे तौर पर रुमर हथापर और इरफान हबीब पर बाबरी मस्जिद विवाद को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए लिखा है 1977 में जब प्रो बिलाल की अगुवाई में वहां पर खुदाई हुई थी तो उसमें भी वहां मंदिर के साक्ष्य पाए गए थे। मोहम्मद के इस मत से इतिहासकार एम जी एस नारायण ने भी सहमति जताई है। बावजूद इसके इन तमाम वामपंथी इतिहासकारों ने ये बात कभी नहीं स्वीकार की कि वहां पर कभी किसी मंदिर का ध्वंस हुआ था। इन्होंने जानबूझकर इतिहास का विरूपण किया, ये जानते हुए भी कि इतिहास का विरूपण एक गंभीर अपराध है। के मोहम्मद ने अपनी किताब में खुदाई स्थल पर 14 स्तंभों वाले आधार मिलने की बात स्वीकारी है। मशहूर पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी किताब जा ए माने इतिहासकार उनके छल छद्म और कार्यविधि में साफ साफ लिखा है, अयोध्या मुद्दा बहुत पहले ही सुलझ गया होता यदि उसमें मिले खुदाई के अवशेषों को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखा गया होता, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, प्रो धनेश्वर मंडल, शीरीन मौसवी, डीएन झा, आर एस शर्मा, प्रो सुप्रिया वर्मा आदि सभी इतिहासकारों ने माहौल खराब करने की कोशिश के चलते ऐसा किया और इसमें इनका निजी स्वार्थ भी शामिल था। वह स्वार्थ पूरा भी हुआ जिसके तहत इन्हें सालों तक इतिहास अनुसंधान परिषद में कई अन्य पदों पर असाइन किया गया। इन्हें वहां से कई प्रकार के प्रोजेक्ट मिले जिनमें से कुछ को तो इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। आराम से सरकार का पैसा लेते रहे और इस बीच अपनी यूनिवर्सिटियों के पठन पाठन से भी दूर रहे और वहां से भी सरकार का पैसा डकारते रहे।